अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यू एन ए व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे के मैं आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ कीमे की। तो उसके जो इंग्रेडिएंट है वो आप सबकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट है मेरे पास जिसको हमें कीमे में मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आधा कप तेल लिया है और आधा कप तेल मैंने जिसमें फ्राई प्याज की थी उसी का तेल लिया है, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि हमने उसमें भी फ्राइड प्याज ऐड की है। तो हमने उसमें आधा कप तेल ऐड कर दिया है, उसे 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और यहाँ पे जो है वो 2 आवर्स हो चुके हैं और हमने कीमे को जब वॉश किया था उस टाइम पर हमने उसका अच्छे से वाटर ड्राई कर लिया था, बट इस टाइम भी देखिए कीमे ने कितना पानी रिलीज किया है। अब हमें इसका पानी जो है वो सारा ड्राई करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो कीमे ने अपना सारा पानी ड्राई कर लिया है और ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो अब जब इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप रोस्टेड बेसन। बेसन को अच्छे से भून के इसमें ऐड करना है इस पॉइंट पे जब कीमा जो है वो अपना ऑयल रिलीज़ कर दे। उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें कीमे की जो है वो अच्छे से भुनाई करनी है। और इसमें हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून लेमन जूस। इस पॉइंट पे जो है वो हमारा कीमा है रेडी। अब आप इसमें गार्निशिंग के लिए जो चीज़ ऐड करना चाहें, तो उसमें मैंने पुदीना ऐड किया है, ग्रीन चिलीज को इस तरह सर्कल में कट करके ऐड किया है और जिंजर के लंबी लंबी स्लाइस की हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा कीमा जो है रेडी है। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आप सबको ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने कीमे को थोड़ा स्मोक फ्लेवर देने के लिए तो आप इसमें कोयले का धुआं लगा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला स्मोक फ्लेवर, तो इसलिए मैं इसमें कोयले का धुआं लगा रही हूँ। ये आपका ऑप्शनल स्टेप। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये कीमे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।